दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज मासिक चर्चा में 1 अप्रैल के दिन हम पुनः मौजूद हैं श्री देवेंद्र झुग्गी जी के साथ में। और 1 अप्रैल जो होता है मूर्ख दिवस भी कहा जाता है, और इंदौर की जनता जो है ये कह रही है कि हमें जल कर और कचरे में जो वृद्धि करी नगर निगम ने, काफ़ी कुछ हमें ठगा जा रहा है। लेकिन ये स्थानीय मुद्दे हैं, हम झुग्गी जी से आज जो चर्चा कर रहे हैं वो दूसरे मुद्दे पर कर रहे हैं। सर, शुरुआत करते हैं हम कोरोना से ही। एक बार फिर 600 के लगभग केस आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये संख्या कहाँ तक जाएगी और शासन प्रशासन वापस उसी मार्च वाली स्थिति में आ गया, पिछली लॉकडाउन लगाए नहीं लगाए, क्या लगता है कि क्या होगा? पंडित जी, ये नमस्कार सभी को। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है जी जी, तो मैं सबसे पहले अपने मित्रों को इस वित्त वर्ष के लिए शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण है और कोरोना ने व्यापार व्यवसाय में सबसे बड़ी दखल दी थी। स्पेशली जो रिटेलिंग है और व्यवसाय में विश्वविद्यालयों के सेवा के हैं या जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पर्यटन है, इन सबको बहुत नुकसान हुआ कोरोना से। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में कोरोना से ठीक हो और ये सारे व्यवसाय जो हैं फिर से तरक्की करें। लेकिन आपने जैसे कहा कि अभी फिर से नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये संख्या डरावनी है। हर बार जब भी कोई महामारी आती है तो उसके ऐसे 1, 2, 3 राउंड्स होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा केयरलेस होना। इसका भी यही है कारण। देखिए, अभी इंडिया में हर तरफ उतनी बड़ी लहर नहीं है। 6 राज्यों में 88% केसेस हैं। इसका मतलब है कि उन 6 राज्यों में कहीं पर थोड़ी बहुत ढीलम ढाल है। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण आपने देखा, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, मध्य प्रदेश भी है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो फिर से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें सब बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। वायरस म्यूटेशन करता है और नया म्यूटेंट बन जाता है, उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। इस बार फिर से वायरस ने रूप बदला है, या फिर हो सकता है इसमें यूके वाला स्ट्रेन भी शामिल हो जिसके कारण अब ये तेजी से फैल रहा है। और एक व्यक्ति को घर में हुआ तो असावधानी में सबको हो जाता है, केयर करने के बाद भी सबको हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन उसकी विभत्सता, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो पहले से कम है। हम ये सोचे कि भाई अभी हो तो रहा है, होगा, लेकिन केयर के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो नहीं संभले तो फिर से तकलीफ हो। आपने एक तरह के वित्तीय वर्ष का जरूर जिक्र कर दिया, पर एक तरह का मैं हमारे दर्शक के साथ आपकी, आप तो जन सभी जानते हैं कि बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है 45 साल के ऊपर का। वैक्सीनेशन का कितना असर पड़ेगा इस पर, हम इसी बारे में जानना चाह रहे थे। पंडित जी, जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, WHO की रिपोर्ट्स हैं, हमारे अपने जो कोवैक्सीन या ये जो कोविशील्ड है, ये बनाने वालों ने जिस तरह से कहा है उसके हिसाब से वैक्सीन 80% से 90% तक प्रभावशाली है। तो मेरे ख्याल से अगर इतना भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, 80% इम्यूनिटी अगर डेवलप हो गई तो ये महामारी से हम लोग आराम से बच सकते हैं। टीका लगाना इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। नॉर्मल कोई भी जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका इस पर कोई असर प्रभावी नहीं है, बहुत प्रभावी। इसलिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन और सुरक्षा, सुरक्षा दोनों, मास्क, वैक्सीन और सैनिटाइजेशन, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आज तो। पिछली बार हमने देखा था इंग्लैंड में, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ा इन्फेक्शन की दर कम होती चली गई। आज इंग्लैंड में ये हाल है कि लोगों को उन्होंने बीचेस भी खोल दिए हैं और लॉकडाउन का असर बहुत हद तक सीमित हो गया है, बिकॉज वहाँ पर वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हुआ, छोटी पॉपुलेशन है, तेजी से वैक्सीनेशन हो गया, आधे लोगों को वैक्सीनेशन करने से ही बड़ा आराम मिला। तो अगर 50% हम पहुंच गए तो समझ लीजिए हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उससे पूरे देश में टीकाकरण तो बढ़ेगा और साथ में केसेस में कमी आएगी, उम्मीद कर सकते हैं। सर, अब हम रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ। और पिछले 15-20 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 चीज़ें हुई है। पहला तो पाकिस्तान का थोड़ा नरम रुख हो गया है, और पहले उनने अच्छी बात करी, फिर कल उनके यहाँ से भी एक अच्छा संदेश आया कि हम कॉटन और शक्कर आपसे लेना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और भारत की तरफ से भी इमरान खान जी को बधाई दी गई थी, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे इन कदमों कैसे देखते हैं? पंडित जी, हम लोग हमेशा एक शब्द यूज करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जी, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? मेरी नज़र में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज की तारीख में है जब हम
मैंने पिछले एक बार आपको और भी बताई थी एक बार कि कोई भी देश आज की तारीख में युद्ध अफोर्ड नहीं करने वाला है, जी, शांति की तरफ ही जाना होगा, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो जी। और मैं जिस तरह से भी देख रहा हूँ ये सब उसी की तरफ जाता हुआ कदम है। अगर पाकिस्तान का सॉफ्ट रुख है तो यकीन मानिए कि वो पूरे विश्व के हित में है। अगर कोई समझ विकसित होती है दोनों देशों के बीच तो हम इस क्षेत्र में तनाव कम कर पाएंगे। पाकिस्तान एक देश बन गया है, भारत उसको समाप्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भारत उस पर अधिकार नहीं कर नहीं सकता, कर सकते, सही बात। तो इसलिए हमारा सबका फायदा इसमें है कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को शायद भारत का बड़ा भाई बनने पर आपत्ति है, वो इस तरह अपने आप को देखते हैं कि भारत अपने बड़े भाई की तरह ना हो, बिल्कुल, तो या जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं पिताजी की तरह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान तो भारत से ही निकला हुआ है। सही बात है। तो हमें यहाँ पर इस बात पर भारत को भी संयम बरतना होगा, बिल्कुल, और पाकिस्तान को भी, तभी हम लोग इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच पाएंगे। एक और डेवलपमेंट बर्मा के बारे में आपको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हत्याएं अभी हुई जी, पिछले समय में, लगभग 450 लोग वहां पर सेना के द्वारा मारे जा बहुत ही चुके दुखद थे। है और दुर्भाग्य से उसमें चाइना का बड़ा हाथ है। मुझे जी लगता जी है हमें उसको चाइना को एड्रेस करना पड़ेगा उस बात को। बिल्कुल और बिल्कुल, अभी हाल ही में एक इंटरेस्टिंग बात कल हुई जब अमेरिका ने एक अपनी रिपोर्ट में इस जी बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का मसला बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल उन्हें बहुत अच्छा लगा जब वहाँ चुनाव भी हुए, उसके रिजल्ट्स आए। जी, हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनको इनकी रेटिंग्स को मानना कोई समझदारी नहीं है, नहीं कोई भी अपने एक बना करके बैठ जाता है रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं हम, और वो उन्होंने अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया हुआ है, वो बिल्कुल कोई बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव तरह से काम नहीं करते, इसलिए ये उनके समझ। लिमिटेड गोल्स होते हैं वो हाँ उसकी। सर एक चीज बीच में और हुई है कि जब प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे पिछले 2 दिनों के दौरे पर, वहाँ पर उनके विरोध में काफ़ी रैली सभा हुई और आंदोलन चले और कैजुअल्टी भी हुई। क्या लगता है ये बांग्लादेश में क्या चल रहा है भारत के विरुद्ध कुछ? पंडित जी, ये कट्टरपंथी लोग हैं, वो जी हर जगह हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, जी भारत में भी हैं, जी जी और भारत में दुर्भाग्य से कट्टरपंथी हम लोग कहना नहीं चाहिए पर हमारे यहाँ कट्टरपंथी हिंदू भी हैं जो थोड़े बिल्कुल अतिवादी हैं, बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल, गोडसे महासभा टाइप हिंदू महासभा के नाम पर करते रहते जी हैं। जी जी जब तक हम लोग अतिवादी रहेंगे, कोई भी जी तरह की कट्टरता अपनाएंगे, तब तक हम मनुष्य कल्याण की बात, देश कल्याण की बात, देश हित की बात नहीं कर सकते। जी जी तो वो उनका लोकल मसला है, वो लोकल राजनीति है। जब कट्टरपंथी लोग देश की राजनीति पे हावी होना चाहते हैं तो इस तरह से करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जी हत्याएं होना बुरी बात है, और वो मुझे भरोसा है बांग्लादेश वाले उनको हैंडल कर लेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सार्क देश जो साउथ हमारा ईस्ट एशिया है उसमें कम से कम पाकिस्तान और भारत के जब संबंध सुधर जाएंगे तो म्यांमार हो या बर्मा सॉरी बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, ये यकीन साथ में आएंगे और एक भारत विश्व शक्ति बनकर उभर सकता है। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है, ये विश्व शक्ति, जैसे मैंने कहा अभी जी पाकिस्तान को इस बात पर आपत्ति कि हम बड़े भाई का रोल क्यों जी करते हैं, जी तो जी पाकिस्तान को इस बात पर भी बुरा लगेगा कि भारत विश्व का लीडर कैसे बन गया। लेकिन यही मैंने कहा कि विश्व का लीडर बनना, बड़ा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जी बुरे बन जाएं, जी जी हम लोग सद्भावना के साथ भी बड़े बन सकते हैं, जी और जी उनकी सद्भावना नहीं रही तो भारत बड़ा नहीं बन पाएगा। हम अपने क्षेत्र में शांति बना लेंगे तो विश्व में शांति की बात कहने का हमारा दम आ जाएगा। सही बात, बिल्कुल पड़ोसी के सही। साथ संबंध सुधारना जरूरी है वैसे भी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सब सब कुछ ऑल इज वेल की तरफ चलता रहे। थैंक आपने तत्काल टाइम से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। यू नमस्कार। पंडित जी, थैंक यू वेरी मच।